नमस्कार, आपको स्वागत है आज के 291 दिन के ईश्वरी वरदान में। परमपिता परमात्मा आज के वरदान में हमें क्या सिखाते हैं, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से सीखेंगे कि क्या है त्याग और क्या है भाग्य बनाने की कला। तो परमात्मा आज सिखाते हैं कि त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। अब ये त्याग क्या है और स्नेह क्या है, क्या ये दो चीज़ों के मिश्रण से ही हमें किसी भी सेवा में, चाहे वो घर में आप बच्चों का ख्याल रख रहे हों, चाहे बच्चे बड़ों का ख्याल रख रहे हों, ये प्रकार की जो सेवा है, हर प्रकार की सेवा में त्याग और स्नेह अगर नहीं है तो क्या सफलता मिल सकती है, इसको हम देखते हैं विस्तार में। बाबा कहते क्या है, बाबा कहते हैं जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। जब ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई थी उस समय परमपिता परमात्मा द्वारा ज्ञान का इतना प्रचरण नहीं हुआ था, लेकिन जो ब्रह्मा बाबा थे और उनके साथ में रहने वाले वरिष्ठ भाई बहन थे, उन्होंने जितना भी स्नेह दिया सबको बिना कुछ मांगे हुए सच्चा स्नेह दिया था परमात्मा की याद में, जिस कारण से सबकी सब आत्माएं खींच करके आ जाती थी इनके पास में। ये नहीं कि उन्होंने कुछ धन में दिया या कुछ खरीद करके दिया उनको, लेकिन सबके सब खींच करके आते थे परमपिता परमात्मा के स्नेह के द्वारा। तो वो परमात्मा का स्नेह, वो रूहानी स्नेह जो दिया, उस कारण से आज ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय 1936 से लेकर के आज जितनी बड़ी है, जितनी फैली है, वो स्नेह और त्याग के द्वारा है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही, जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। यज्ञ मतलब क्या हुआ, जहां पर हम अपने जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, उसको हम स्वाहा करते हैं, अपनी जो अंदर गलतियां हैं, पाप करने के जो हमारे लक्षण होते हैं, उन सबको हम स्वाहा करते हैं और करते जाते हैं। उसको कहते हैं यज्ञ, जिसमें आहुति दी जाती है, हम उसमें तिल डालते हैं, तेल डालते हैं, जौ डालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जाते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हम जलाते हैं। कैसे जलाते हैं, उसके लिए हमें परमपिता परमात्मा की याद में सदा के लिए रहना बहुत ज़रूरी है, इसको कहते हैं मेडिटेशन। जिसका संग होता है उसका रंग तो ज़रूर लगता है, तो परमात्मा का संग मतलब परमात्मा की मेडिटेशन में, याद में रहने से ये यज्ञ स्थापन होता है। और हम हर एक आत्मा, मैं भी आत्मा और आप भी आत्मा, परमात्मा की याद में अपने अंदर के जो विकार हैं, पाप हैं, उनको आस्ते आस्ते करके आप मिटा सकते हैं। अपना कालापन मन का सब कुछ धुलता जाता है। फिर बाबा कहते हैं था बाबा और यज्ञ, इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया, इसी शक्ति से केंद्र बने, जो भी आज सेवा केंद्र बने हुए 150 देशों में फैला हुआ है ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। वो फैला कैसे, ना किसी की शक्ति से जबरदस्ती वाली, ना ही किसी ने किसी को धन खिलाया या किसी को बहुत ज़्यादा फेवर्स किए जिस कारण से ये चीज़ आगे बढ़े, लेकिन सत्यता से। तो जहाँ पे सत्यता थी, स्नेह था, सच्चा स्नेह, और जहाँ पे त्याग था, मैंपन नहीं, मेरे लिए हो, मैं आगे बढ़ूँ, मैं टीचर बनूँ, मेरा नाम आगे हो, नहीं, जिन जिन लोगों ने त्याग किया और उनको आगे बढ़ाया, तब जाकर ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ी है। तो वो त्याग, जैसे कि एक माँ भी क्या करती है, अपने बच्चे के लिए त्याग करती है। अगर बच्चा वापस आता है रात को, या हस्बैंड वापस आता है, चाहे वो 11 भी बज रहे हों, 10 भी बज रहे हों, तो ये नहीं बोलती कि आप ठंडा खाना खा लो जाकर वहाँ पर खाना पड़ा हुआ है, नहीं, स्नेह होता है, सच्चा स्नेह होता है, तो बोलती मैं आपको गर्म करके देती हूँ, और गर्म करके देती हैं और बच्चों को खाना खिलाती हैं या पति को खाना खिलाती हैं। तो ये भी एक स्नेह है, ऐसे थोड़ा हो जाता है प्यार का बंधन जो बनता है। तो परमात्मा कहते हैं साकार स्नेह से ही मन मनाभव बने, जो साकार में जो स्नेह मिला, जो सबको प्यार मिला, उस कारण से ही तो वो परमात्मा की याद में स्नेह में जुड़ी वो आत्मा है। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अगर आप किसी को स्नेह देते हैं, सच्चा स्नेह हो, मतलबी वाला नहीं, तो वो जीवन भर के लिए आपके सहयोगी बन जाते हैं। लेकिन जहाँ पर आपका मतलबी स्नेह होता है, वहाँ पर उनको पता चल जाता है और कुछ समय के लिए आपकी मदद भी कर देंगे, लेकिन फिर हमेशा के लिए नहीं हो पाएगा। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। जैसे कि एक युद्ध में घेराव डालते हैं और फिर जो भी योद्धा होते हैं
वो जो दुश्मन होते हैं उनको पकड़ लेते हैं, मारते तो हैं लेकिन पकड़ जरूर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे घेराव कौन सा वाला है? ये हिंसा वाला घेराव नहीं है, यह स्नेह का घेराव, प्यार का घेराव और त्याग का घेराव, जिसके द्वारा परमपिता परमात्मा कहते हैं सफलता मिलेगी किसमें? सेवाओं में। तो परमात्मा चाहते हैं कि आप अपने घर में भी जो सच्चा स्नेह है, जिसके द्वारा आप किसी को भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसमें त्याग की ज़रूरत है। स्नेह इसलिए नहीं कि मुझको कुछ मिले या मेरी फैमिली आगे बढ़े, त्याग, मेरी फैमिली नहीं, मेरी फैमिली के द्वारा कुछ लोग आगे बढ़े, मेरी फैमिली के द्वारा सबको भला हो, आसपास के लोगों का भी भला हो, तब जा करके आगे उन्नति हो सकती है। लेकिन केवल मेरा ही सब कुछ ठीक हो, मेरी ही फैमिली ही आगे बढ़े, तो वो त्याग नहीं माना गया। तो उसमें स्नेह भी जो होगा वो सच्चा स्नेह नहीं होगा, और औरों को महसूस भी हो जाएगा। तो परमपिता परमात्मा से चाहते हैं कि हम हर जगह जहाँ पे भी हम कोई भी सेवा करें उसमें सच्चा स्नेह हो, और उसके अंदर शक्ति तभी भरेगी, और त्याग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंपन हट जाए, मैं ही आगे बढ़ूँ हट जाए, तो सच्चा स्नेह महसूस होगा दिल तक। तो आपका आज का शुभ रात्रि, आपका बहुत ही अच्छा निंद्रा, या कहें जिसको कि हम नींद, परमात्मा की याद में हो, और आप स्नेही बन करके रात में आपस में एक दूसरे से स्नेह पूर्वक रह करके सोएं परमात्मा की याद में। ओम शांति।